नहीं पद, हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूं कि जब आप किसी पद पर हैं, आप जैसे एंकर हैं, तो आपकी जवाबदेही होगी। अब ये देश किससे पूछेगा कि आप इस देश में 45 साल के चरम बेरोजगारी पर ये देश है, तो ये सवाल किससे पूछेगा? ये ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति से तो पूछेगा नहीं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी से पूछेगा। ठीक है, जब सवाल, और आप बिगड़े बोल की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी के लोग इस तरह की भाषा बोलते हों कि देश के गद्दारों को गोली मारो वाले ब्ला ब्ला, जिस ये कब्र वाला नारा किसके किसको किसको लेकर लगा था? शाहजहानपुर में मोदी तेरी कब्र खुदेगी किसको लेकर नारा लगा था, किसने लगाया था? तो इनकी भी बात करिए ना मनोज काका जी, आप शब्द कोई भी कहे गलत है, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे आपकी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो। राकेश आप बात तो आप सबको कहिए, सबसे ज्यादा जो देश का प्रधानमंत्री हो, ये इस तरह का है कि हम तो कपड़े देख के लोगों को पहचान लेते हैं। ठीक है, किसी की प्रेमिका को की कीमत लगाए, ये निम्न स्तर किसका हो सकता है? ठीक, तो जो दूसरों पर निराधार आरोप लगाए, वो दूसरे से निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद करें, ये सबसे घटियापन और द्वारापन है। कपिल जी, देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी या विपक्ष? इसके बाद बंसल जी आपके पास आ रहा। काका जी बहुत जल्दी आपकी दो बातों का जवाब दे दूं। आपने बेरोजगारी की बात की, अरे भाई मुलायम सिंह यादव जी का परिवार तो बेरोजगार नहीं है, भाई चाचा बेटा बहू सारे वो बनते हैं एमपी और एमएलए। आपको यादवों में भी कोई और नहीं मिलता है एमपी एमएलए बनाने के लिए। और सुनिए, देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इतनी तहजीब रखिए डिबेट के अंदर। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ आपकी तरीके से, जो अपने नंबर बना रहा हूँ। डिबेट इनके बंद करवाइए, भाई तुम सवाल नहीं कर सकते, इनके भाई बंद करवाइए बीच में। एक मिनट समझे, एक मिनट कपिल जी, मनोज काका जी, आपको कपिल जी की कोई बात गलत लग रही है, आप उससे बोलिए, विरोध करिए, लेकिन ये लंपार्ट इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं सर। घर परिवार में पार्टी में इसी तरीके से बातचीत होती है क्या? तो शब्दों का चयन सही करिए कम से कम। पारिवारिक दास्ता कराते हैं आप जातियों से अपनी, और आप मेरे को लंपट बता रहे हैं। अरे क्या गलत शब्द थे? क्या ये पूरा परिवार पार्टी अकेले नहीं चला रहा है? तुम्हारी हैसियत नहीं है कि श्रद्धेय नेता। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है? जिस व्यक्ति, तुम लोग पारिवारिक गुलाम हो, मैं नहीं हूँ, समझ गए? तुम्हारी क्या हैसियत है? पारिवारिक गुलामों से मैं बात भी नहीं करता हूँ तुम जैसों से। वो प्रजापति के समय में देश का माहौल खराब नहीं था, जब प्रजापति रेप करके तुम्हारे बच्चों में फिर रहा था, तब देश का माहौल खराब नहीं था, तब देश का माहौल अच्छा था। जैसा के अमित शाह के बेटे को नौकरी किसने दी है? अरे अमित शाह की सवाल मत करिए, मेरे पहले सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपको यादवों में भी कोई और नहीं मिलता खड़ा करने के लिए चुनाव में परिवार के अलावा। अच्छा एक बात का और जवाब दे दीजिए, जब मुलायम सिंह राजनीति में आए थे उनपे क्या संपत्ति थी, और आज यादव परिवार के पास कितनी संपत्ति है, जवाब दीजिए इसका। कहां से यादव परिवार ने इतना पैसा इकट्ठा किया है, जरा जवाब दीजिए इसका। एक बात है तो कोई संपत्ति नहीं, अरे कोई संपत्ति नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। अरे ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, जाइए, मैं आगे बढ़िए, आगे बढ़ता हूँ। मनोज काका जी एक मेरी छोटी सी सलाह है, जैसे सरकार की, मनोज काका जी सुनिए, सर सुनिए, सवाल खड़े करें, बहुत विनम्रता के साथ, एक कपिल जी एक मिनट, बहुत विनम्रता के साथ एक सलाह है मनोज काका जी, मान लेंगे तो मुझे लगता है जनता आपको आपकी तारीफ ही करेगी, आपसे उम्र में काफी बड़े हैं कपिल जी, तो तुम तड़ाक मत करिए सर, ये हमारे आपके संस्कार नहीं हो सकते हैं, ये इनके संस्कार, तो तुम तड़ाक मत करिए सर, अगर आप कह के बात करेंगे तो बहुत कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। राकेश सुनिए, ये जब जवाब नहीं दे सकते तो यही इनके संस्कार बोलते हैं। जो व्यक्ति अमर्यादित भाषा का प्रयोग, अरे क्या अमर्यादित था, क्या अमर्यादित शब्द, एक शब्द बता दीजिए जो अमर्यादित था वो मैंने, एक अरे तो क्या, अरे तुमको मालूम भी है कि मर्यादा होती क्या है, अरे तुम्हें मालूम भी है कि आगे बताओ, मनोज काका जी कोई अमर्यादित शब्द नहीं था, कपिल जी ने सिर्फ ये कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के कौन कौन से लोग राजनीति में हैं, सिर्फ ये बात उन्होंने कही थी, ये बात अमर्यादित कैसे हो गई? तुम बताइए, चलिए विवेक बंसल जी आप कुछ कह रहे थे, अरे सर छोड़िए ना, कहां गुलामी पर जा रहे हैं, बात फिर बहुत दूर तक जाएगी, चलिए विवेक बंसल जी। देखिए जहां तक एक राकेश जी आपसे मैं निवेदन करूंगा, जिस तरीके की जो भाषा शैली इस्तेमाल की जा रही है, तथ्यों से हटकर जो बात की जा रही है, वो शोभा नहीं देती किसी भी डिबेट को। आप ही के गठबंधन के नेता हैं, वो कह रहे हैं आप पक्षधर ना बनके आपको निष्पक्ष, मैं किसी का पक्षधर नहीं बन रहा हूँ, कपिल जी ने सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के कौन कौन से लोग राजनीति में, ये याद दिलाया, कोई गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किया था। अब आप नहीं तो
नहीं ये भी कह रहा हूँ। हाँ तो बोलिए, आप भी बोलिए कि तुम तड़ा करेंगे, लंपट करेंगे। शाह जी के बेटे में क्या तुम सवाल करो? नहीं नहीं नहीं, सुन लीजिए, अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ उस पर, अब आप बोलने नहीं दे रहे। निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हो, गुलाम हो, गुलामी गिरी करते हो, कहते हो कि देश। अरे मनोज काका जी सुनिए, कोई गुलामी नहीं है। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि एक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ है, उनका सम्मान कर लीजिए, तुम तड़क मत करिए, तो ये आपको पक्षपात लग रहा है क्या? इतने सारे अगर ये आपकी पार्टी के अरे सुनिए ना, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में कौन कौन लोग राजनीति में है, ये याद दिलाए तो आप याद दिलाइए। अमित शाह की याद दिलाइए, राजनाथ सिंह की याद दिलाइए, मैं बिल्कुल रोकने नहीं आऊंगा, लेकिन ये लंपट मत करिए। इतिहास के पन्ने का उन्होंने आइसोलेटेड उल्लेख किया, कौन से इतिहासकार है मुझे नहीं मालूम। ये अरे आपको इतिहास आता नहीं है जनाब जी, आके अपने बड़े से बड़े इतिहासकार को लाके मुझसे बैठ कर लेना, ठीक है? इतिहास मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। कपिल जी शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। सिर्फ मेरी एक सलाह थी और उसे हर कोई मानेगा तो ठीक है। अभी सिर्फ विवेक बंसल जी 30 सेकंड रुक जाइए, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड जी। हाँ तो देखिए राकेशी, मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आज हमें निष्पक्षता के साथ देखना चाहिए और शालीनता से हमें इसमें बहस में हिस्सा लेना चाहिए। मैं ये अगर उन्होंने काका जी ने उल्लेख किया कि अमित शाह जी के बेटे में क्या ऐसी प्रवीणता थी, क्या ऐसी उनकी वो थी कुशलता थी कि उन्हें जिस तरीके से BCCI का चेयरमैन, तो ऐसे उदाहरण पे इतना उत्तेजित नहीं हुआ जाता दोनों तरफ से। और आपने ये कहा वातावरण बिगाड़ने की बात, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने किसी एक विशेष समुदाय के लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या एक सत्तारूढ़ दल के सांसद को इस तरीके की भाषा शैली, उन पे जिम्मेदारी विवेक बंसल जी सर, सर, सर थोड़ा सा वक्त कम है, मुझे अनिल जी की एक टिप्पणी लेनी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर परिवारवाद पर कोई सवाल उठा रहा है तो आप उसके परिवारवाद पर सवाल उठाइए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन थोड़ा सा उम्र का लिहाज रख लीजिए, मेरी उत्तेजना सिर्फ इस बात को लेकर थी कि तुम तड़ाक लंपट मत करिए, आप उनके 10 गिरा दीजिए, मैं बिल्कुल उसके साथ हूं।